दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जितना कंफ्यूजिंग इस टॉपिक को बनाया गया है उतना कंफ्यूजिंग ये है नहीं। ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, इसके बाद सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये क्या थे। इन वेव्स को समझने से पहले हमें ये फेमिनिज्म वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। दोस्तों ये फेमिनिज्म जो था एक मूवमेंट था जो कि औरतों के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के राइट्स की बात करता था। इसमें खास तौर पे औरतों के राइट्स और इंटरेस्ट की बात की जाती थी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि इस मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। हिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से औरतों को डोमेस्टिक एरिया यानी घरेलू कामकाज के साधन के रूप में देखा जाता था। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स उनको नहीं दिए गए थे कि सोशल कामों में आदमियों की जरूरत है, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम अपना घर संभालो, तुम अपना काम देखो। कुल मिलाकर सोशल लाइफ आदमियों के लिए रिजर्व थी। उस वक्त तक आप देखो ना तो औरतें पढ़ सकती थी, ना अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती थी, ना ही उनको इकोनॉमिक राइट्स थे कि बाप की संपत्ति में पैसा मिलेगा बेटी को, कुछ भी नहीं था ऐसा। आप देखो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में औरतों को सिर ढकने के लिए मजबूर किया जाता था। जर्मनी के कुछ हिस्से तो ऐसे भी थे दोस्तों जहां पर पति अपनी पत्नी को बेच सकता था, खरीद सकता था। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक औरतों को वोट डालने के अधिकार भी नहीं थे, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। ये मैं दुनिया की किसी छोटी मोटी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के सबसे सक्षम देश, दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट देश अमेरिका और यूके की बात कर रहा हूं। छोटी कंट्रीज के तो क्या हाल होंगे आप सोचो। अब दोस्तों ये फेमिनिज्म चार वेव्स में आया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज मैं फर्स्ट वेव को डिस्कस करूंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए, जितना कंफ्यूजिंग इसको बनाया गया है मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं दो शब्दों में या एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं कि ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म क्या था, तो ये वोटिंग राइट्स के लिए या फिर कहें पॉलिटिकल राइट्स के लिए शुरू हुई एक लहर थी, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और बोरिंग भी लगेगा। पहले हमें इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये फर्स्ट वेव आई तो आई कैसे। देखो डायरेक्टली ये फर्स्ट वेव नहीं आई थी। कहा जाता है कि फर्स्ट वेव को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था वो था एनलाइटनमेंट। अब एनलाइटनमेंट के दौर में जब पूरा यूरोप समझदार हो रहा था तो ये समझदारी औरतों में क्यों ना आए। औरतों ने सोचा कि जब नेचर ने दोनों जेंडर्स को बराबरी इक्वली बनाया है तो नेचुरल राइट्स भी दोनों को बराबर होने चाहिए ना, नेचुरल राइट्स भी दोनों को बराबर होने चाहिए। दोस्तों ऐसे आइडियाज समाज में फैलाने का काम किसका होता है, बड़े बड़े थिंकर्स का। आप कहोगे बहुत बड़े बड़े थिंकर्स जैसे कि रूसो। हाँ जी रूसो जैसे बड़े थिंकर ने औरतों को एक बेवकूफ तुच्छ प्राणी की तरह पोर्ट्रे किया है। आप सोचो, मैं सिर्फ रूसो की बात नहीं कर रहा हूं, इस मायने में आप एरिस्टोटल को देख लो, हमारे यहां पे मनु और कौटिल्य को देख लो। आप जब इनकी राइटिंग्स पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि औरतों को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। तो ये वेव का आना लाजमी था। अब दोस्तों ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बात सच है। अगर आप इनकी राइटिंग्स पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा औरतों के लिए। तो जब ऐसी चीजें होती है, जब ऐसे बड़े राइटर्स, बड़े थिंकर्स ऐसी बात करते हैं, तो हम बाकी दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब छोड़ो, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जहां तक मैंने चार्ल्स डिकेंस की नोवेल पढ़ी है उसके अंदर मैडम डिफार्ज का भी बराबर का रोल था जितना डिफार्ज फैमिली का था, ठीक है। औरतों ने भी बराबर रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन उसमें एक डिक्लेरेशन हुआ था दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। इसके अंदर आप देखो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, पॉलिटिकल राइट्स की बात की जा रही थी। इसके अंदर फ्रेंच सिटीजनशिप में औरतों के किसी लीगल राइट्स की बात नहीं की गई थी दोस्तों। क्यों? औरतों ने बराबर रोल प्ले नहीं किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब देखो दोस्तों एक चीज आप नोट कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त इस चीज को देखते हुए एक बहुत ही फेमस फ्रेंच सोशल रिफॉर्मर थी जिनका नाम था ओलंपे डी गॉजेस, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो सॉरी। ये एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थी और फ्रेंच सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया इस चीज को देखते हुए। इन्होंने पहली बार डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन नाम के वर्क को लिखा जिसमें औरतों के राइट्स की बात की जा रही थी। इस वर्क को कब लिखा गया था दोस्तों? 1791 में। अब 1792 में आपको हर कोई बताएगा कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक वर्क लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, लेकिन ये वर्क उससे एक साल पहले आया था दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेंच ऑथर है इनके बारे में कोई बात नहीं करता, वो इंग्लिश ऑथर थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, वो एक इंग्लिश ऑथर थी इसलिए उनकी बात सब करते हैं। ये उसके एक साल पहले वर्क आया था। इस वर्क के जरिए वो बताना चाहती थी कि औरतें सिर्फ आदमियों के इक्वल नहीं है बल्कि उनके बराबर की पार्टनर भी है। अब दोस्तों इसके बाद 1792 में मैंने आपको बताया था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक बहुत ही खतरनाक गेम चेंजिंग वर्क आ जाता है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। इसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने साफ साफ कहा है कि औरतें अगर थोड़ी सी सिली है, भोली भाली है, इमोशनल है, वो अगर किसी चीज को समझती नहीं है तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है बल्कि सोसाइटी ने उन्हें इस तरह से बनाया है। अभी तक हम फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव को जब तक पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ में आता है दोस्तों? अभी तक पॉलिटिकल राइट्स की बात चल रही है, मतलब इक्वालिटी की बात चल रही है, पॉलिटिकल राइट्स की बात चल रही है, कोई और बात इसमें नहीं की गई। ये फेमिनिज्म जो आग की तरह फैल रहा था ना दोस्तों,
ये अमेरिका में और यूरोप में उथल पुथल मचाने वाला था, स्पेशली अमेरिका में जब वोटिंग राइट्स की मांग की गई। अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में वोटिंग राइट्स की मांग की गई। और दोस्तों इस वक्त एक सिंगल नॉन व्हाइट वुमन भी निकलकर आती हैं, जिनका नाम था सजना ट्रुथ। ये पहली एक ऐसी नॉन व्हाइट वुमन थी जो नॉन व्हाइट औरतों के लिए राइट्स की मांग कर रही। उस वक्त इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, एंट आई अ वुमन, क्या मैं औरत नहीं हूं अगर मेरा रंग काला है, अगर मेरा कलर काला है तो क्या मैं औरत नहीं हूं, मुझे इक्वालिटी का अधिकार नहीं है क्या। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेमिनिज्म में इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, इनकी ये एक स्पीच है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, जब भी आप फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि ये बड़ी कंट्रीज तक ही सीमित था, मतलब दुनिया भर की और छोटी कंट्रीज में ये पहुंचा नहीं था, सिर्फ यूके, यूएस और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्रीज तक ही ये सीमित था। और जहां तक हम यूके की बात करें तो यूके में एक बहुत ही फेमस फिगर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, आपने नाम सुना होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने ये औरतों को वोटिंग राइट्स देने की बात की थी, लेकिन इनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एंड कब होता है दोस्तों, जब औरतों को यूके, यूएस और न्यूजीलैंड में वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, खास करके यूएस में वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। देखो न्यूजीलैंड में मिला था 1893 में, यूके में मिला था 1918 में और यूएस में मिला था 1920 में। और यूएस में जब ये राइट्स मिले तब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म खत्म होती है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बड़ी कंट्रीज के अंदर ही फर्स्ट वेव चली थी, ये फर्स्ट वेव छोटी कंट्रीज तक तो जा ही नहीं सकी, क्योंकि ये बहुत नई चीज थी जिसे ज्यादातर छोटी कंट्री में रहने वाली महिलाएं समझ नहीं पा रही थी, औरतें समझ नहीं पा रही थी। यहां तक कि अभी तक काफी सारे एरियाज के अंदर ये फेमिनिज्म का मतलब, जिन वुमेन को, जिन औरतों को ये फेमिनिज्म का मतलब पता होना चाहिए उन्हें पता नहीं। ये फर्स्ट वेव थी जो आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस की दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ये सेकंड वेव फेमिनिज्म क्या था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।